हमारे मुख्य अतिथि का बहुत ही प्रेरणात्मक हमें संबोधन मिला है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इस तरह के प्रेरणादायी शब्दों से हमें अभिभूत किया। साथियों, इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य जो मैं समझता हूँ, पहला कि राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि प्रांतीय भाषाओं में या राजभाषा में जब हम किसी विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं, खास करके बैंकिंग मुख्य धारा से जुड़े कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं, तो इन प्रांतीय भाषाओं में या राजभाषा में जब चर्चा होता है तो एक मौलिक विचार आते हैं, विचारों की सहजता आती है, और जब विचारों की मौलिकता और विचारों की सहजता आती है उस समय चर्चा का अंत हम सार्थक, चर्चा को हम एक सार्थक रूप दे पाते हैं। क्योंकि अंत में हमारा उद्देश्य यही है कि जिन मुख्य विषयों को हम यहाँ चर्चा के लिए लाए हैं उस चर्चा को सार्थक बनाएं, और उस सार्थक बनाने में इस भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब हम मौलिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाते हैं, सहज रूप से प्रस्तुत कर पाते हैं, तो शायद हम उस सार्थकता को हासिल कर पाते हैं। तो इन दो उद्देश्यों के साथ हम इस सम्मेलन को लेकर यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं। बड़ी खुशी है कि इतने बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, ये दर्शाता है कि आपकी राजभाषा के प्रति और जिन विषयों को हमने चुना है उसके प्रति आपका प्रेम है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। चयनकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह के विषय उन्होंने इस सम्मेलन के लिए चुना है वो बहुत ही प्रासंगिक हैं। इसलिए प्रासंगिक है कि पहला विषय जो MSME से जुड़ा हुआ है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि देश के उत्पादन में MSME का कितना बड़ा योगदान है, उत्पादन के विकेंद्रीकरण में इसका कितना बड़ा योगदान है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में जनता का पलायन ग्रामीण क्षेत्रों और अर्धशहरी क्षेत्रों से महानगरों की हो रहा है। ऐसे समय में उत्पादन केंद्रों का विकेंद्रीकरण सुदूर गांवों में और शहरी क्षेत्रों में होना जरूरी है, और MSME इसमें काफी सार्थक भूमिका निभा सकते हैं।